जो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, माहौल खराब करने की परमिशन आप किसी को मत। और कल की घटना के लिए जिम्मेदार जो भी होगा, एक एक की जवाबदेही तय करनी चाहिए। प्रयागराज में जावेद पंप का कर ढेर करने के 24 घंटे बाद, योगी की जबरदस्त कार्रवाई के सिर्फ 24 घंटे बाद, अब जो होने लगा वो आज आपको देखना चाहिए। कैसे उसके पड़ोसी भी भाग गए, घर में ताला लगाकर निकल लिए, जो पत्थरबाजी करने में शामिल थे उनके घर वाले भी अब रिश्तेदारों के यहां छिप रहे हैं जाकर। आखिरकार आज आपको दिखाएंगे कि कैसे अब मौलानाओं की हेकड़ी भी योगी ने निकाल डाली। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। सोचा था आपने इतनी बुरी तरीके से दंगाइयों पर बुलडोजर चला था, लेकिन चल गया। कहा जाता है जहां बाकी की सोच बंद हो जाती है वहां से योगी सोचना शुरू करते हैं। कल कैसे जावेद पंप की हवा निकली, कैसे उनके घर को पत्थरों में ढेर कर दिया गया, हर किसी ने देखा। लेकिन अब वो भी देख लीजिए जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि योगी ने अब कार्रवाई कुछ और आगे की है। वैसे तो हमने अपनी वीडियो में दिखाया था जिसके बाद हमारी खबर का असर हुआ है, एडवांस इंडिया की आवाज योगी ने सुनी और वो कर दिया जिसका इंतजार था, यानी मौलानाओं पर कार्रवाई हो गई है। सबसे पहले आप देखिए हमारी वो वीडियो जिसमें राव मुशर्रफ ने किस तरीके से इस आवाज को उठाया था। तो मैं समझता हूँ जिस मदरसे के भी वो छात्र हैं, एक तो उन मदरसों को सीज करना चाहिए, उनकी मान्यता ख़त्म करनी चाहिए, उनके जो अध्यक्ष हैं और मोहतमिम हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। दूसरी बात, जिस जिन मस्जिदों के सामने ये बवाल हुआ है और ये षड्यंत्र रचा गया है देश को जलाने का, उन मस्जिदों को भी सीज करना चाहिए। भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को, चाहे वो किसी भी राज्य के किसी भी कोने में हो, भारत के कोई से कोने में हो, किसी को भी अधिकार नहीं है देश को जलाने का। देखा आपने, धर्म की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वालों पर एक्शन शुरू हो गया। जुमे की नमाज के बाद जिन्होंने हिंसा का पूरा प्लान बनाया था, अब यूपी पुलिस उन सभी पर कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर चलाकर संपत्ति मिट्टी में मिला दी गई, साथ ही अब तक सैकड़ों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। प्रयागराज में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अटाला बड़ी मस्जिद के इमाम, जिनका नाम है अली अहमद, उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस पर पुलिस कर्मियों को काफिर कहते हुए लड़कों को भड़काने का आरोप है, जिसके बाद पथराव और आगजनी हुई थी। देखा होगा वो तस्वीरें, हमने लगातार आपको दिखाई थी कैसे एडीजी के ऊपर भी, उनकी गाड़ी के ऊपर भी हमला कर दिया गया, कैसे छोटे छोटी उम्र के पत्थरबाज निकल आए। हिंसा के मामले में इमाम अली अहमद को पुलिस ने नामजद किया था। इससे पहले प्रयागराज में हिंसा उकसाने के आरोप वाले जावेद पंप के घर का पहले गेट टूटा, फिर दीवार टूटी, फिर कमरे, और पीछे क्या रह गया, सिर्फ खंडर। बाद में नजर कुछ आया मलबा, धूल का गुबार। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी, तभी यह तय हो गया था कि हिंसा के आरोपियों को जवाब भी मिलेगा और नजीर भी पेश होगी। जो भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई भी हो, किसी भी पक्ष का हो, माहौल खराब करने की परमिशन आप किसी को भी मत दीजिए। पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए और कल की घटना के लिए जिम्मेदार जो भी होगा, एक एक की जवाबदेही तय करनी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, उन सभी को हम लोग, उन सभी के बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। देखा आपने आखिर योगी क्या कह रहे हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, ये खबरें भी देख लीजिए, ये कैसे पंप के घर चला बुलडोजर तो ताला लगा लगा कर निकल लिए। डर था, खौफ था, क्योंकि उन्हें पता था कि आखिरकार कहीं कल को वही ना फंस जाए। और अब एक ढपली गैंग भी आ गया, ढपली वो ढप ढप ढपली वाले, कैसे बिलबिला रहा है जरा तस्वीरें देख लीजिए। योगी के बुलडोजर का असर इन ठपली वालों के सपनों में आकर नाच रहा है, जिसके बाद इनका राग आप सुन लीजिए। से, तो हिंदू राष्ट्र से,
बस अब इंतजार है और उन मौलानाओं का जो लगातार इस तरीके से बच्चों को उकसाते हैं, भड़काते हैं और माहौल खराब कर देते हैं। पिछले दो हफ्ते में लगातार यही तस्वीरें देखी गई, कैसे हुड़दंग हुआ हर किसी ने देखा, कैसे लोगों की दुकानें लूट गई, चाहे सहारनपुर मुरादाबाद हो, उसके अलावा प्रयागराज हो, बाकी दूसरे शहर हो, हर किसी ने देखा। लेकिन अब ऐसी तस्वीर देखने की हिम्मत शायद किसी में है नहीं और इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि शांति हो जाए। पत्थरबाजी से वैसे भी निकलेगा कुछ नहीं, अगर कुछ होगा तो सिर्फ नस्लें बर्बाद होंगी, कोर्ट कचहरी के केस चलते रह जाएंगे क्योंकि केस बहुत जबरदस्त तरीके से हुए। सहारनपुर में तो सेंचुरी लगने वाली है, वहां पर भी असर तगड़ा है, बुलडोजर वहां भी चल गया। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़ रही है क्योंकि मुद्दे की बात मुद्दे के साथ बदस्तूर चल रहेगी। नमस्कार।